is it, Mommy? Hi everyone. Good evening. Good evening. वापस हम आ गए वापस घर. यहाँ पे दो काम एक साथ चल रहे. रामों का थ्रेसर चल रहा है और almost दोनों खत्म होने को आया. और यहाँ पे बीट जो बीट रूट होती है वो हम लगाते हैं last दो तीन year से हमारे पशुओं के लिए. और वो बहुत ही फायदेमंद होती है हमारी बॉडी के लिए भी, इंसानों के लिए भी और पशुओं के लिए भी. थोड़ी सी डाल दे और हमारी जमीन में मैं दिखाऊंगा आगे के आपके वीडियो को, वीडियो में आपको. इधर इधर हो गया थोड़ा कि बहुत बड़ी साइज में कोकोनट की साइज की बीट होती है. बहुत बड़ी बहुत अच्छी, इसका मतलब है जमीन बहुत अच्छी है. और आज सुबह हम पहुंचे वापस एट ओ'क्लॉक आ गए. ओम ने बहुत इंजॉय किया लेकिन कल दो दिन में बहुत सारा कुछ मिस हो गया. हाँ, उसके बाद एक मुस्लिम फैमिली हमारे जो फैन है वो भी आए थे गोंडल के उस तरफ से हमसे मिलने. और बहुत अच्छा लगा वो आए. उन्होंने आके जय माता जी राम राम कहा, ये एक बात मैं मेंशन करना चाहूँगा. तो फिर बहुत अच्छा लगा और वो मिलके गए, उनको भी बहुत अच्छा लगा. वो बोल रहे थे कि कब का मिलना था और खास करके मिलने आए थे. उनको पता था कि अहमदाबाद गए तो मिल पाएंगे नहीं, लेकिन फिर भी वो आए तो लकीली हम मिल गए तो अच्छी बात है. उसी टाइम पे अराइव हुए थे घर पे. एंड बहुत सारे हमारे अहमदाबाद से जो फैंस थे वो भी मिलना चाहते थे लेकिन दो दिन में नहीं मिल पाए. कुछ लोग मिले, उनसे थैंक यू, इतना प्यार दिया पूरे अहमदाबाद सिटी से, इतना प्यार मिला, इतनी अच्छी कमेंट्स मिली. सब लोग इनवाइट कर रहे थे घर पे लेकिन हम सिर्फ एक दिन के लिए आए थे इसलिए नहीं आ पाए. नेक्स्ट टाइम जरूर मीटअप और सबसे करेंगे, ट्राई करेंगे कि सब लोगों से हम मिल पाए. और कैमरा कुर्सी पे है तो शायद इधर उधर आवाज से चल रहा है. और अभी हम आगे यहाँ जो काम चल रहा है वो आपको दिखाएंगे. थैंक यू. यहाँ पे हमने ये टमेटो के जो प्लांट लगाए हैं हाय एवरीवन. तो ये मेरे हाथ में है, एक खेडूत का ही हथियार है, खपारा बोलते हैं हम इसको. पता नहीं और लैंग्वेज में क्या बोलते हैं लेकिन ये हम किसानों के लिए यूज़फुल होता है. और इसको रोड़ना बोलते हैं, मतलब इसको थोड़ा लेवल अप करते हैं इससे और सीधी एक लाइन बनाते हैं जिसको हम पारी बोलते हैं. तो पानी ये एरिया में चला, सीधा चला आए इसके लिए. और हम उसको कियारा बोलते हैं कि ये कियारा हमने कर दिया. मेरे पापा ने मुझे सिखाया इससे कैसे काम करते हैं बहुत साल पहले, तो मुझे ये बनाना भी आता है. वैसे अभी मैंने ये नहीं बनाया, मेरे अंकल है उन्होंने और पापा ने बना दिया. लेकिन ये जो ऊपर नीचे थोड़ी ज़मीन होती है वो पहले ऐसे हाथ से करते थे, अभी रेजर लेवल सब कुछ बाद में आया. पहले पूरे खेत इससे किया करते थे, जो भी मूँगफली के बाद जो लगाते थे गेहूँ या तो कुछ भी, तो उसकी सीधी लाइन में ये पारी बनानी होती है और बीच में जो भी लगाना होता है वो लगाना. क्योंकि ये टाइम का जो विंटर का जो भी फसल हम लेते वो पानी उसको देना होता है कुएं से ताकि पानी सीधा जाए. इसलिए और ये बनाने की टेक्निक होती है, मैं आपको दिखाता हूँ थोड़ा यहाँ पे जैसे बनाते हैं. जैसे इस तरफ से जाना है तो ये पांव का वो करके ये इस तरह से ऐसे ये सीधी लाइन में बननी चाहिए. और ये एक टेक्निक है इसमें छोटी सी कि यहाँ से उठा के ऐसे डालना है, ना कि यहाँ से बिल्कुल पास से ताकि वहाँ गड्ढा ना हो जाए. थोड़ी थोड़ी मिट्टी को लेके ये ऐसे करना है और जो इसकी बनती है वो उसकी धार होती है ऊपर सही वाली, तो ये दिखने में भी अच्छी दिखती है और स्ट्रेट होनी चाहिए. मेरे पापा बहुत गुस्सा होते हैं जब अगर टेढ़ी मेढ़ी करे तो
तो ये टेक्निक है, इतनी हार्ड नहीं, लेकिन किसान वो उनको आती होगी और आनी चाहिए। तो ये पहले जो करते थे वो मैं आपको थोड़ा सा बताना चाह रहा था। अभी यहाँ हमने बीटरूट ऑलरेडी पापा ने लगा दिए इसके बीज, तो जल्दी ही हमारी शिवानी के लिए और हमारी गाय और भैंस के लिए रेडी हो जाएगी। ये भी एक टेक्निक है, इसको कैसे लगाया जाए, क्योंकि जहाँ पे दाने गिरते हैं वो पता होना है कि बीच में कहीं गैप ना छूट जाए। तो मैंने तो किया हुआ है, भारती को थोड़ा आपने देखा करते हुए, पापा ट्रेन कर रहे थे, इतना मुश्किल नहीं है। लेकिन शाम तक अगर ऐसे ही करते रहे तो फिर ये हाथ में दर्द होता है। तो जो छोटे भारती गिर रही है अभी पानी में। Yes. मारे ही नेता हो बोलो। हाँ ओके रन चल बसता ना तो एक मुकई दे पसे ली रही है नहीं उपड़ाई जागर थियो उपड़ आगर वहाँ कनेक्ट कर दे अभी जाचे शिवानी को दो दिन की ब्रेक मिली थी। हाय एवरीवन, सो शिवानी को कुछ टाइम फ्री मिला था, मैं बाहर भी था और इसको रेस्ट हुआ था अभी, तो ये खेत खुले हुए इसलिए निकाला इसको। एक और बात मैं बताना चाहूँगा, कई लोग बोलते हैं कि जानवरों को फ्री रखना चाहिए या उसको अपनी मर्जी से घूमने देना चाहिए, वो भी अच्छा है, करना ही चाहिए, लेकिन घोड़ों को खास करके जिसको हमें राइड के लिए तैयार करना है, उसको अगर बचपन से थोड़ी सी आदत और कमांड लेने का सिखाया जाए तो इससे क्या होता है कि इसको एटलीस्ट पता चले कि मुझे आगे क्या करना है। जैसे मैं उसको बोलूं चल तो चलती है, रुक जा तो रुकती है, बातें कर कर के इसको सिखाना है, वो मुझे मतलब अच्छा लगता है कि ऐसे शायद करना चाहिए। बाकी तो जो ज़्यादा एक्सपर्ट है उनको पता होगा, लेकिन मैं जहाँ तक मुझे आइडिया है, ये अगर राइडिंग के लिए आगे तैयार करना है, घोड़ा हो या घोड़ी, तो उसको बचपन से थोड़ी सी आदत डाले कि उसको घुमाए रस्सी के साथ, उसको कमांड दिए कि ये करो ये करो, तो वो जब आपको राइड के लिए ट्रेनिंग करनी है तो उसको थोड़ा सा आसान रहेगा। अगर बचपन से जो बच्चा फ्री घूमने का जिसको आदत है, उसको फिर राइडिंग की कमांड जब हम देते हैं तो घोड़े होते ही है थोड़े, उसको जल्दी से वो नहीं करते, और फिर मार के या ऐसा कुछ करके सिखाना बहुत मुश्किल भी हो जाता है और उससे बॉन्डिंग बढ़ती नहीं है, टूटती जाती है। तो ये मुझे ऐसा लगा कि इसको थोड़ा सा जब दिन को बांधते हैं इसको, फिर उसके स्टेबल में भी खुला छोड़ते हैं, वैसा नहीं कि पूरा 24/7 बांधी रहती है, तो उसके बाद घुमाने ले जाए तब उसको हमारे साथ चलना, और ये 3 महीने की थी तब से मेरे साथ है, तो इसको मैं ही उसकी माँ की जैसा लगता हूँ और क्लोज पर्सन हूँ। जब जो बच्चा घोड़ी के साथ रहता है वो तो अपने आप ही सीख जाता है, क्योंकि उसकी माँ को देख के कि आगे उसको क्या करना है, लेकिन ऐसे बच्चे जो अपनी माँ से बहुत जल्दी अलग हुए होते हैं, उसको मैं अपने तरीके से जो मुझे अच्छा लग रहा है, सही लग रहा है, वो कर रहा हूँ, और जो मुझे पता नहीं होता तो मैं किसी ज़्यादा एक्सपीरियंस लोग हैं उनसे सलाह भी लेता हूँ और पूछता रहता हूँ, इसके बारे में पढ़ता भी रहता हूँ। एक MD मरेजिया साहब करके है अमेरिका में, उनकी फेसबुक पोस्ट भी मैं पढ़ता रहता हूँ, बहुत से मेरे दूसरे दोस्त भी हैं जो इन्फॉर्मेशन मुझे नहीं पता होती वो पूछता रहता हूँ।
तो ये कमांड जो लेती है मैं आपको दिखाना चाहूंगा। रेडी रेडी हालो बस बस हालो बस बस हालो बस बस ये कितनी भी स्पीड में जा रही हो और मेरे आवाज सुन के बस वो बस 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 और बोल के करने का एक दूसरा फायदा है, जैसे ये रस्सी इसके पाँव में आ गई तो घोड़े होते हैं चंचल, इसके पाँव में ऐसा कुछ अटक जाए तो हमारी आवाज़ की अगर कमांड ले रहा है घोड़ा तो इजीली हम उसको फ्री कर सकते हैं। जैसे कुछ फंस गया या तो कहीं ऐसा टकराने की जा हो रहा है, ऐसा कुछ भी एक्सीडेंट होने से पहले अगर हम आवाज़ लगा दें तो वो वहीं खड़ा हो जाना चाहिए। और वो कमांड मैंने इसको बड़े प्यार से सिखाई है, मार वार के नहीं। तो जब मैं राइडिंग भी करूँगा, मेरी पूरी कोशिश है कि बीटलेस राइडिंग आगे जाके करनी है इसी के ऊपर, और जब ट्रेन भी करनी है तो बोल के, मेरी जो शिवानी थी उसको भी हम बोल के चलाते थे कि चलो धीरे चलो फास्ट चलो, जो भी बोलते थे वो कमांड लेती थी। और ये सीरी जो आजकल मोबाइल में है उसी तरह हो जाता है, लेकिन इसके अंदर जीव है। तो अपने घोड़ों से प्यार करें, जो करते ही है सारे हॉर्स लवर। बस वही था। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग। जो मुझे पता था बताया। अब भारती भारती ने ये नहीं करवाया कभी शायद शिवानी के पास, पहले करवाया है? नहीं करवाया, एक बार लास्ट ईयर करवाया। मेरा कमांड भी लेती है, वैसा नहीं है कि सिर्फ ओनर का कमांड ही लेती हूँ मैं। ओनरानी हो तुम? ओनरानी ओनरानी हूँ तो ओनरानी का कमांड बोलते हैं, लेकिन मालकिन तो नहीं, ओनर भी नहीं, लेकिन दोस्त भी है और शिवानी हमारी है। हम दोनों रामदेव के अच्छे दोस्त है, एंड रामदेव शिवानी के अच्छे। आई एम जेलस ऑफ शिवानी समटाइम्स। हेलो रेडी ओके मुझे बोला शिवानी आलो। अभी तो ये थोड़ा मेरे को देख रही है इसलिए वो करेगी, लेकिन कर सकती है भारती, मुझे पता है कर लेगी। हेलो हेलो शिव हेलो हेलो ये थोड़ा सा पहले हुआ लेकिन अब चल रही है। हेलो शिवानी भारती को मैं इसलिए सिखा रहा हूँ कि मैं अगर बाहर भी हूँ, अगर अवेलेबल नहीं हूँ घर पे, तो शिवानी का काम जो है वो रुकना नहीं चाहिए, क्योंकि मैं आके पूरी इंक्वायरी करता हूँ अगर दो दिन बाहर भी गया तो, कि शिवानी का जो भी रूटीन है सही से किया गया था फॉलो या नहीं। मैं आके पहले उसके पास जाता हूँ तो वो नहीं सुनती, ऐसे एरे जोरे लोगों का नहीं सुनती। बस ए बस बस शिवानी ऐसा नहीं करना चाहिए था। I will try again. बस बस भारती को कोशिश एक और करनी है कि क्या कमांड लेती है या नहीं। हाँ देखो अभी इतनी जल्दी सीखते हैं घोड़े और इनका दिमाग बहुत तेज चलता है, और दोनों राउंड में हम इसको ट्रेन किया हुआ है कि इसको जिस तरफ थकान लगे वो चेंज कर देती है अपना जो राउंड होता है, राइट से लेफ्ट या तो लेफ्ट से राइट, क्लॉकवाइज या अदर वे राउंड। हाँ अब कमांड ले ली, क्योंकि उसको उसको पता है कि डोर जो है मेरी वो भारती के हाथ में। एक मिनट पहले वो भूल गई थी थोड़ा सा, वैसे लेती है कमांड तो। देखो कर देख देख आइए 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 बेन हमोजो बेन हमोजो good boy.
માં મિડલ માં ને આલવાનું હોય તો બધું પ્રેસ થઈ જાય હરખું બેઠું. હા એ બસ હો બસ ના થાય ને. હા क्या कर रहे हो? हम स्पिन कर रहे हैं। अच्छा कौन किसको स्पिन कर रहा है? दोनों एक साथ एक दूसरे को। ओ, ओ, अभी हम गिरने वाला है। देखो देखो मैं भी गिरने वाला हूँ शायद। लेकिन अभी सब घूम रहा है मेरे दिमाग में, सब ऐसे जा रहा है, हैं? वो चेयर भी घूम रही है, ओ वो ट्री भी, ओम भी घूम रहा होगा फिर, हैं? ओम तो वहीं पे खड़ा है, ओम दोस्तों को बाय बोलो, बाय बाय बोल दो, बाय बाय बोल दो, बहुत सारा बाय दोस्तों